किधर है बूम भी दे दो तो मैं हरामखोर देखने आया हूँ। मैंने पिक्चर अभी तक देखी नहीं, तो मैं सिर्फ अपनी उम्मीदें लेके आया हूँ, क्योंकि गुनीत मोंगा और अनुराग कश्यप बहुत हटके अलग किस्म की फिल्म बनाते हैं, और श्लोक शर्मा की ये पहली पिक्चर है और मैंने बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि पिक्चर उतनी ही तारीफ के काबिल हो जितनी उम्मीदें मैं लेकर आया हूँ, और यकीन है कि अच्छी पिक्चर ही होगी क्योंकि अच्छे लोगों ने बनाई। ओके कबीर साहब, टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में प्यार दिखाया, अफेयर दिखाया है, क्या आपका किसी पे क्रश रहा आपके स्कूल टाइम में? स्कूल के वक्त हरेक को किसी न किसी पे क्रश तो होता ही है, लेकिन पिक्चर देखने से पहले मैं इसकी कोई ख़ास राय नहीं देना चाहता, लेकिन आपकी बात सही है कि हर स्टूडेंट के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो अपने टीचर पे फिदा हो जाते हैं। अच्छी बात है, बुरी बात है, ये दूसरों को सोचने दें, लेकिन वो बात होती है। आखिरी सवाल, नवाजुद्दीन से क्या उम्मीद है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मैं बात करूँ? नवाजुद्दीन तो कमाल के एक्टर हैं और मैं बहुत ही उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। उनकी जो पिक्चर देखी थी मैंने, मांझी द माउंटेन मैन, उसमें तो बस कमाल का किरदार किया था, और जहाँ भी काम करते हैं अच्छा ही करते हैं, तो इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, मुझे यकीन है। थैंक यू, थैंक यू। अरे वेट ना, बोलना साथियों, जब तुम्हारा हो जाएगा तो तुम्हारे हवाले बता। हाँ चलो, हाँ जी। अरे आप फिल्म देख चुके हैं तो मेरी आवाज़, आई एम सो सॉरी, ये सारे प्रमोशंस करके, इतनी सारी बातें करके मेरी आवाज़ एकदम घोड़े जैसी हो गई है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। तो आप फिल्म देख चुके हैं तो कैसी लगी आपको, ये तो पहला मेरा सवाल है आपको। अच्छा जी, इंट्रोड्यूसिंग श्वेता त्रिपाठी ऐसा क्यों, मसान तो ऑलरेडी कर चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बात क्या है कि हरामखोर का शूट मसान से 2 साल पहले हो गया था, तो उस वे में हरामखोर मेरी पहली फिल्म है, तो मुझे भी नहीं पता था कि मुझे इंट्रोड्यूसिंग क्रेडिट मिल रहा है हरामखोर में, तो मेरी दो फिल्म हो गई हैं, लोगों को एक मिलता है, तो आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव नो कंप्लेंट्स। द रिस्पांस इज रियली गुड, रियली गुड फ्रॉम द मीडिया साइड, डू यू थिंक हाउ द बैटल इज गोइंग? मतलब अभी भी बहुत सारी ऐसी बटरफ्लाइज हैं स्टमक में, हार्ट में। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, आई एम रियली होपिंग कि ऑडियंस देखने जाए, बिकॉज मीडिया लाइकिंग इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप लोग क्या कहते हैं, क्योंकि जो आप लोगों की आवाज़ है वो बाहर तक, ऑडियंस तक जाती है, मासेस तक जाती है, तो जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा वो लोग सुनेंगे, तो हाफ द बैटल इज़ डेफिनेटली वन। अब आधी हाफ हो जाएगी अगर वो ऑडियंस हमें वो टिकट्स दे दें अपनी। ओके, somebody लाइक कबीर बेदी, द कैलिबर ऑफ कबीर बेदी जी, इज हियर टू प्रमोट योर जी, प्रमोट योर फिल्म जी, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बहुत अच्छा लगता है जब इतने सीनियर एक्टर्स एंड इतने अच्छे ह्यूमन बीइंग्स हमारी फिल्म से अटैच होते हैं इन एनी वे पॉसिबल, सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, तो बहुत प्राउड फीलिंग होती है कि आपका काम इतना अच्छा है कि आप प्राउडली बुला सकते हो लोगों को अपनी स्क्रीनिंग के लिए। ओके श्वेता, क्या कमर्शियल्स, अगर मैं मसान की बात करूँ या इसकी बात करूँ, आपको ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, मुझे तो हर काइंड ऑफ सिनेमा का, हर टाइप का सिनेमा करना है, मैं कमर्शियल करना चाहती हूँ, गाने करना चाहती हूँ, डांसेस करना चाहती हूँ, एज लॉन्ग एज इट्स गुड सिनेमा। मैं चाहती हूँ लोग जब मेरे मूवी से बाहर आए तो वो कहें कि ये अच्छी मूवी थी, अच्छी फिल्म थी, तो मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है। बाकी पैरेलल आर्ट, इंडिपेंडेंट, कमर्शियल, इन सब टैब से, टैग से मुझे डर नहीं लगता।
डेफिनेटली आई एम होपिंग कि वो सारे कमर्शियल डायरेक्टर्स आए हैं, हमारी मूवी देखे हैं, मुझे जल्दी से अपनी फिल्मों में काम मिलेगा। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, आई हैव नॉट मेट फराह एवर, एंड मैं रोहित शेट्टी जी से मिली हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगे, तो उस बेसिस पे रोहित शेट्टी। थैंक यू सो मच। मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन दोबारा बताना पड़ेगा, मुझे ये मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, कहाँ देख के बोलना, सीधा देख के बोलना, हाँ मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था न्यूज़पेपर में, जहाँ पर एक स्टूडेंट और एक टीचर की रिलेशनशिप के बारे में बताया था, और मैंने ये रियलाइज़ किया जब मैंने वो स्टोरी को फॉलो किया तो वहाँ पर उस स्कूल टीचर को गधे पे बैठाया था, मुँह पे कालिक लगाई थी, और जो लड़की थी उसके मुँह पे खूब चांटे वाँटे मारे थे, उसको रोड पे घुमाया था। तो मुझे लगा कि हम कभी भी वो कहानी के अंदर जाके देखना नहीं चाहते हैं कि क्या हुआ होगा और वो लड़की क्यों अट्रैक्टेड होगी उस स्कूल टीचर के साथ जो कि उससे शायद उम्र में ज़्यादा बड़ा है। तो मुझे ये मुझे इस आइडिया पे काम करने का मन किया, मैंने मुझे एक मुझे एक 15 साल की लड़की किस तरह से सोचती है वो बताना था, और हरामखोर में वो सब आपको देखने को मिलेगा। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ट्रू स्टोरी पे बेस नहीं है, मेरे को जस्ट वहाँ से एक आइडिया आया था, उसके अलावा जो भी है वो मैंने अपने दिमाग से लिखा है, वो मन घड़ंत है, तो आप लोग ट्रू स्टोरी नहीं है वो। आप कभी फ्लैट हुए टीचर पे अपनी चाइल्डहुड में? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, कभी भी टीचर पे कोई लाइन वाइन नहीं मारी है मैंने, स्टूडेंट जो हमारे हम उम्र होते थे उन्हीं की तरफ हम लोग अट्रैक्ट होते थे, और पर डिफरेंट सेक्स ना, सेम सेक्स नहीं, बट हाँ। थैंक यू सो मच। हो गया, थैंक यू। चला लॉकर करा, लॉकर आ विजुअल दे, विजुअल दे, विजुअल दे, विजुअल दे, काय करा ये बोले दिन वो ऐसे ही रहेगा फिर। अच्छा विवाद वाले सवाल मत पूछना, मैं जितना बचता हूँ उतना ही मैं हेडलाइन आ जाता है यार। मनोज जी क्या खास वजह यू आर हियर? खास वजह श्लोक शर्मा, मैं वासेपुर के समय से, उस समय वासेपुर में मदद कर रहे थे ये, उस समय से मैं जानता हूँ कि बहुत ही कमाल के टैलेंट हैं और ये मुझे काम नहीं दे रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इनकी फिल्म देख लूँगा आज तो कुछ काम मिल जाएगा, लेकिन हरामखोर के बारे में बहुत सुना है और ये हमारे डायरेक्टर जो हैं अब वासेपुर के समय से हमें काम नहीं दे रहे हैं, तो मैं आज आया हूँ मैं स्ट्रगल करने के लिए कि हरामखोर देखूँगा, और अच्छा अच्छी फिल्म है, नवाज़ ने काम किया है, मैंने क्यों नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन वो नवाज़ ने किया, मेरा दोस्त है, आई एम वेरी हैप्पी दैट ही फाइनली मेड हिज फर्स्ट फिल्म and I'm here to support him. Okay, have you seen the teaser trailer of the film? Aur kya umeed hai aapko? Umeed kya, matlab achhi film hai. Main kuch ek log hain hamare zindagi mein jo log filme dekhte hain aur kehte hain ki achhi hai, to main maan ke hi chalta hu ki wo achhi hogi, aur bahut sare logon ne film dekhi hai, bahut tareef hai is film ki, and main isliye abhi aaya hu ki taki main film bhi dekhu aur mera sahyog bhi jo hai ek emotionally is film ko rahe. इस तरह की फिल्मों के हम हमेशा पक्षधर हैं, हम चाहते हैं कि इस तरह की फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा बने और श्लोक जैसे निर्देशक ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय हों। ओके, क्या मनोज जी कभी आपका अपने स्कूल के टाइम पे किसी टीचर पे क्रश रहा है? हो सकता है ना, ह्यूमन बीइंग है। अच्छा नहीं बिल्कुल ह्यूमन बीइंग हूँ और बहुत पूरे तरीके से ह्यूमन बीइंग हूँ मैं। रहा है क्या मनोज? देखिए क्या है, मैं आपको बताऊँ क्यों मैं हंस रहा था आपकी बात पर, क्योंकि हम लोग जो है ऑल बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल में थे, तो बॉय का बॉय तो नहीं, अब बेसिकली अब जब मैं कॉलेज में था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो डेफिनेटली जो टीचर्स वगैरह होते थे, तो जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो सबसे जो आपके सामने जो हर दिन जो कोई महिला सामने आती है वो आपकी टीचर होती है, तो उस पर क्रश होना जो है बड़ा लाजमी सा हो जाता है, या किसी लड़कियों के स्कूल में किसी कोई टीचर जो आता है तो लाजमी सा हो जाता है कि जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो जो मर्द जो आपके ठीक सामने होता है वही आपका आइडियल होता है, या जो औरत आपके सामने होती है वही आपका आइडियल होता है, और उसी से आपका पहला अंदर ही अंदर जो जिसको कहें प्रेम, उसके बारे में जो है आप एहसास करना शुरू करते हैं। इसका
सर आपने अभी भी बताया नहीं, मैथ टीचर थी, इंग्लिश टीचर थी, हिंदी टीचर थी, किस पे फोकस था? क्या है कि मैं बहुत सारी चीज़ों पे जाना नहीं चाहता। ओके कंटिन्यू सर। हाँ नहीं कंटिन्यू किया, अब क्या कंटिन्यू। ओके सर, कितनी कितने कितने कितना प्राउड मोमेंट है समबडी लाइक यू नो मनोज बाजपेयी कैलिबर इज हियर एंड सपोर्टिंग यू योर फिल्म, व्हाट्स योर टेक ऑन? मनोज जी को मनोज जी के साथ मैंने काम किया था गैंग्स ऑफ वासेपुर में, मैं वहाँ पे सेकंड यूनिट डायरेक्टर था, तो मनोज जी हमेशा उस समय से सपोर्ट करते हैं, तो मैं अपनी शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ तो मैं उनको मैसेज में भेज देता हूँ सर मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई है, और वो मैं हमेशा उनको जो भी काम होता है मैं दिखाता रहता हूँ और वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, वो मुझे बताते हैं बारीकियाँ कि क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, तो मुझे लगता है कि अभी भी जब ये हरामखोर देखेंगे तो मुझे बताएंगे कि उनको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा और मैं उसमें एक सुधार लाने की कोशिश करूँगा। साइन कब कर रहे हैं उन्हें मनोज जी ने कहा? हाँ मतलब कर दे ही नहीं रहे, काम ही नहीं होगा। ये हमेशा से साइन है तो मतलब ज़रूर करना है काम साथ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।